खास मौके पर हम लेकर हाजिर हो रहे हैं एक खास पेशकश, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन में शिक्षक का, गुरु का क्या महत्व है। दरअसल हिंदुस्तान की प्राचीन परंपरा में टीचर या गुरु सिर्फ शिक्षा हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि गुरु अंधकार से निकालकर हम हिंदुस्तान की आध्यात्मिक परंपरा में शिक्षक यानी गुरु सिर्फ शिक्षा प्रदान कर जीवन संवारने का जरिया मात्र नहीं है। यहाँ की पतित पावन भूमि में गुरु अज्ञान के अंधियारे को मिटाकर नित्य प्रकाश का साक्षात्कार करा देने वाली अखंड चेतना है। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहाँ तक कि साक्षात पर ब्रह्म माना गया है। एक बार गुरु ने कृपा करके अपनी शरणागति दे दी तो फिर मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु की कृपा से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश हमारी सुसुप्त चेतना को प्रकाशित कर देता है। As the word guru suggests, gu means darkness, ru means dispeller. Dispelling darkness. How to dispel darkness? गुरु वो है जो एकदम निस्वार्थ भाव से हमें बताता है कि सदियों से हमारी चेतना पर आच्छादित अंधकार के अज्ञान को कैसे मिटाना है। वो हमें अज्ञान के अंधियारे से निकालकर ज्ञान प्रकाश का पता बता देता है, और जिसे गुरु कृपा से प्रकाश का पता प्राप्त हो जाता है वो भला अंधकार में क्यों रहना चाहेगा। संयोग से हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां अनादिकाल से ही गुरु शिष्य की पावन परंपरा चली आ रही है। यहां भगवान शिव को आदि गुरु यानी पहला गुरु माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने कालजयी महाकाव्य रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शंकर को गुरु तत्व मानते हुए लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बात शिक्षक दिवस की, देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों देशभर के 50 प्रतिष्ठित शिक्षकों को इस साल का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने जा रहा है। इनमें कुछ शिक्षकों पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अपने ज्ञान की बदौलत छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाले इन शिक्षकों को अब से कुछ घंटों बाद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मौका होगा शिक्षक दिवस का। हर साल की तरह इस साल भी शिक्षकों की लगन और मेहनत को देखते हुए केंद्र सरकार देश के प्रतिष्ठित सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 50 शिक्षकों को सम्मानित करने जा रही है। इन्हीं में से ये शिक्षक भी शामिल हैं। बरनाला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक पंकज गोयल को ये अवार्ड स्मार्ट स्कूल बनाने, बच्चों का दाखिला बढ़ाने और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करने जैसे जरूरी योगदान के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह बठिंडा के एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक राजेंद्र सिंह की शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कामों के चलते उन्हें भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खुशी हो रही है, नेशनल अवार्ड मिला, तो बाकी बच्चों नाल मिलकर होर बहुत खुशी हो रही है। बच्चों ने जो पता लगे अभी साढ़े सारू अवार्ड मिलया तो बाकी वह कह आप तो इंजॉयमेंट हो रही थी, बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया, उन्होंने देख के होर भी ज़्यादा प्राउड फील होया भी वाकई ये बच्चों वास्ते जो आप कुछ करते हैं तो कुदरत उसका रिवार्ड जरूर दिंदी है। 50 शिक्षकों की इस लिस्ट में यूपी और बिहार के शिक्षक भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय भगीसर का कायाकल्प कर उसे स्मार्ट बनाने वाले शिक्षक रविकांत द्विवेदी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने जा रहा है। इससे पहले रविकांत द्विवेदी को 2021 में राज्य शिक्षक पुरस्कार भी मिल चुका है। वहीं बिहार में कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड के न्यू प्राथमिक विद्यालय तरहनी के प्रभारी हेडमास्टर सिकेंद्र कुमार सुमन का चयन भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। सिकेंद्र कुमार सुमन ने स्कूल में ऑनलाइन परीक्षा के साथ साथ एक प्राइवेट स्कूल की तरह कई व्यवस्थाएं की, जिससे बच्चों की शिक्षा में बहुत सुधार देखने को मिला। पहले बच्चे काफी ड्रॉप आउट होते थे,
कुछ बच्चे स्कूल नहीं भी आते थे, मगर इन सभी समस्याओं को काफ़ी संघर्ष के बाद हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अब हमारे यहाँ 90% से एवं उपस्थिति प्रतिदिन बच्चों की रहती है। और जैसा कि आपने दीवारों पर चित्रकारी देखी है, तो ये सारी चित्रकारी हमने और हमारे शिक्षकों ने मिलकर की है। बिल्कुल अपने हाथों से हम लोगों ने इसे मिलकर किया है, क्योंकि यह मानना था कि एक शिक्षक सब कुछ होता है, एक शिक्षक को ऑलराउंडर होना चाहिए। पूरी तरह से बदल देने के लिए, आपसे कार्यक्रम के सारे मानक पूरा कर देने के लिए, बच्चों के नामांकन बढ़ाने के लिए मैंने विद्यालय में गणित का बगीचा की स्थापना किया, समुदाय के सहयोग से सारी कक्षाएं स्मार्ट की। तो इन सब चीजों को बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने सराहा और मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आगे भेजा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया करता हूँ बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का। उधर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका सुनीता गुप्ता को भी शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। गणित विषय को लोकप्रिय बनाकर पढ़ाने, मीडिया के विभिन्न माध्यमों खासकर YouTube के जरिए गणित विषय को पढ़ाने पर उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। जैसे कि गणित के शिक्षक सामान्यतः जो है चौक या डस्टर से लेके लेक्चर विधि मेथड से पढ़ाते हैं, तो मैंने अपने जो पढ़ाने के तरीके में मैथमेटिक्स मॉडलिंग को इंक्लूड किया और खेल खेल के माध्यम से गणित को पढ़ाने की कोशिश की। और साथ ही साथ एक जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है और एक अनदर मैथमेटिक्स पैड है, सोक्रेटिव है, उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके मैंने मैथमेटिक्स के इंटरेक्टिव वीडियोस को बनाए, जिससे बच्चों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो कुछ हमको क्लास में समझ में नहीं आ पाता था, उसको हम जब छुट्टी में जाते हैं तो मैं का जो क्लास रहता है वीडियो का, उसको अटेंड करते हैं और हमें कुछ अच्छे समझ में आ जाता है। हमारी मैथमेटिक्स टीचर हैं मिसेस सुनीता मैम, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। वो हमें जब पढ़ाती हैं तो एनिमेशंस और वो हमें बताती हैं कि कैसे जो उन्होंने पढ़ाया है उसको हमारे सराउंडिंग में अप्लाई करना है, कैसे उसे हमें रटना नहीं है, उसे समझना है। 5 सितंबर का ये दिन न केवल डॉक्टर राधाकृष्णन की विरासत का सम्मान करता है, बल्कि देश भर के शिक्षकों की लगन और कड़ी मेहनत को भी नमन करता है। यही वजह है कि इन शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। बरनाला से आशीष शर्मा, बठिंडा से कुणाल बंसल, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, कैमूर से राजन कुमार, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को एक रूप देकर उसे उपयोगी बनाता है, उसी प्रकार एक टीचर बच्चों को शिक्षित करके न सिर्फ उनके जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं, बल्कि एक सभ्य और शिक्षित समाज का निर्माण भी करते हैं। और इस समाज निर्माण में अगर पीढ़ियां समर्पित हो तो बात ही क्या है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की जहां कई पीढ़ियों ने अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित कर दिया और समाज के लिए एक शानदार मिसाल पेश की है। आज के इस युग में जहां शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर है, आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के एक ऐसे गांव में जो शिक्षकों के गांव के नाम से मशहूर है। नरसिंहपुर जिले का ये सिंहपुर गांव एक अनोखी मिसाल है, जहां शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि यहां हर घर में एक शिक्षक है। कुछ परिवारों में तो पूरा परिवार ही इस पेशे से जुड़ा हुआ है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा टीचर थे और इसी स्कूल में 1997 में मेरे पापा जी यहाँ से रिटायर हुए और 2007 में मेरी मम्मी ने यहाँ से रिटायरमेंट की और फिर मैं 2019 में यहाँ पर आ पाई। शिक्षिका तो मैं 95 से ही बन गई हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि शिक्षा ही वो ताकत है जो समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम है। यही वजह है कि वो अपनी भावी पीढ़ियों को शिक्षित कर समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस पेशे के प्रति यहाँ के लोगों के मन में एक सम्मान रहा है शुरू से, और चार चार पांच पांच लोगों को यहाँ पे शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पेशे के प्रति सम्मान है, तो नई पीढ़ी भी उसके प्रति आकर्षित हुई और लोग इस पेशे को अपनाने लगे। और यहाँ तक कि अभी भी न्यू जनरेशन जो है वो जैसे अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें उनने क्वालिफाई कर लिया है, कुछ ही दिनों में उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, तो ज्यादातर बच्चे शिक्षक ही बनना चाहते हैं।
यहाँ के शिक्षकों की कहानियाँ वाकई प्रेरणादायक हैं। इनके समर्पण और लगन ने इस गांव को एक शिक्षा का केंद्र बना दिया है। नरसिंहपुर के इस गांव में शिक्षा के प्रति लोगों की यही भावना है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी राह पर आगे बढ़ेंगी और शिक्षा के माध्यम से समाज को नई दिशा देंगी। 2013 से ही मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर मेरे ताऊ जी ने, मेरे बाबू जी ने, मेरे नाना जी, नानी, मौसी सभी ने मुझे यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ाया है। इतने अच्छे अच्छे टीचर देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम भी टीचर बने, हम भी अपने एज अ मेरा जो रोल मॉडल है वो भी टीचर ही रहे, तो यहाँ भी बच्चे टीचर ही बनना चाहते हैं। मैडम आपके जैसे टीचर बन जाए, हम ऐसे अच्छा टीचर हमको भी बनना है। शिक्षा के प्रति इस गांव की भावना और उनके योगदान को देखकर पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है। इस गांव के इन सभी शिक्षकों को सलाम है जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से अनुज, गुड न्यूज टुडे। माना जाता है कि शिक्षक होने का मकसद बिना किसी भेदभाव के ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। यही वजह है कि पंजाब के फिरोजपुर की रहने वाली समृद्धि ने शिक्षा की अलख जगाने के लिए अनोखा प्रयास शुरू किया। समृद्धि पिछले 6 साल से शाम के समय बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा रही हैं। समृद्धि ने पहले पब्लिक पार्क में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। अभी एक स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर 10वीं शिक्षा तक के बच्चों को फ्री पढ़ा रही हैं। अब 30 बच्चे हर रोज समृद्धि से पढ़ने के लिए यहां आ रहे हैं। समृद्धि को 2 साल पहले सरकारी नौकरी मिली लेकिन उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं छोड़ा। इस तरह समृद्धि ने समाज के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करने की अनूठी मिसाल पेश की है। समृद्धि से प्रेरित होकर उनके कई दोस्त भी बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाने लगे हैं। बच्चे भी इनकी पढ़ाई से खुश हैं और आगे चलकर इसी तरीके से जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। सर ये हम 2018 में फर्स्ट ईयर बीएससी के स्टूडेंट्स थे तो पब्लिक पार्क में हमने जाके देखा कि बच्चे यूजुअली मांग रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो एक क्वेश्चन आता था हमेशा माइंड में कि ये क्यों ऐसे हैं, हमें इतना फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए, हमें पता है पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चे कैसे रह जाएं। तो एक क्वेश्चन उनसे पूछा था हमने कि आप पढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हम पढ़ना चाहते हैं। तो उसी दिन से फरवरी 2018 से हमने डिसाइड किया कि उन बच्चों को उसी पार्क में हम पढ़ाना शुरू करेंगे और तब से हम ये काम कर रहे हैं। क्वेश्चन यही था कि इम्पोर्टेंस पता है पढ़ाई की, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, करियर बनाना है, स्ट्रेस है कि कैसे करेंगे, इतने अच्छे मार्क्स लेके भी ऑप्शंस नहीं मिलती हैं, तो वो बच्चों का क्या फ्यूचर है जो बिल्कुल स्कूल भी नहीं जा पा रहे, उनको कोई ऑप्शंस नहीं मिल रही हैं, उनको हेल्प नहीं कर रहे, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो एक क्वेश्चन आता था और सोल्यूशन ये था कि कंप्लेंट करने के अलावा हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, हम क्या एक्शंस कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो नहीं थे कि हम किसी को पे कर पाएँ या किसी को पढ़ा पाएँ, बट हमें पता था कि हम बिल्कुल बेसिक एजुकेशन तो दे ही सकते हैं। सो उसी सोच से मैं और मेरे फ्रेंड्स रिया और शिवम, अनिकेत, मैं, समृद्धि एंड हमने 5 स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था। पार्क में इतना ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला क्योंकि वहाँ पे जो वॉक करने आते थे रिटायर्ड पर्सन हैं या हाउस वाइफ हैं, क्योंकि सब फ्री होते थे इसलिए पार्क में आते थे वॉक करने, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट पार्क में भी हमारे पास एक पॉइंट पे 80-90 स्टूडेंट्स हो गए थे विद 7-8 वॉलेंटियर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रॉब्लम ये आती थी कि पार्क ओपन है, धूप है, गर्मी है, बारिश है, कैसे होगा मैनेज। तो फिर हमें सर मिले, राजेश सर, मालवा खालसा सर के प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आपकी सोच है, उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट से आज हम। तो मैं बड़े होके जैसे हमें सीमित में पढ़ाते हैं ना, जैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे बड़े होके। मैं जब पार्क जाता सी तो मैम आते होंगे सी, उदो मैं देखा कि मैम सारे बच्चों पढ़ा रहे होंगे, तो मैनू लग्या कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो मैं पार्क च मैम नाल गल की, फिर मैं पढ़ना आता सी। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मेरी पढ़ाई में बहुत इम्प्रूव हुई है और मैथ्स मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है और मेरे फेवरेट टीचर हैं अमिता मैम। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया भी जो बच्चे भी वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको ऑनर किया जाए, तो मैंने कश्मीर सिंह सर की ड्यूटी लगाई भी हम लोगों ने सुबह प्रेयर में इन बच्चों को बुलाना है और इनको ऑनर करना है,
तो एक दो दिन बाद हमने इन लोगों को बुलाया और प्रेयर में इनको इंट्रोड्यूस कराया बच्चों के साथ। कितने साल हो गए सर इन बच्चों को अब यहाँ? ये 4-5 साल पहले की बात है, तो तब से ये बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। और शाम को मैंने इनको दिया भी, आप यहाँ पे पढ़ाओ स्कूल में, किसी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे बताओ। और ये अब ऐसा हुआ कि ये इंस्टीट्यूट में भी हमारी हेल्प करने लग पड़े हैं। ये बच्चे समृद्धि है, मनमीत है, दिशा मैडम है, ये अपना रजिया है, ये लोग सुबह भी हमारे साथ यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि हमारा एडेड स्कूल है, एडेड स्कूल में स्टाफ की बड़ी कमी है, तो ये सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, अपना जो भी इन्होंने सिस्टम बनाया, बच्चों को सुबह भी क्लास लगा के जाते हैं बच्चों की। शिक्षक दिवस के इस खास अवसर पर आपको दिखाते हैं झारखंड में जमशेदपुर के पास पढ़ाई के अनोखे तरीके की खास तस्वीर। जमशेदपुर से करीबन 60 किलोमीटर दूर मुरूब गांव में एक शिक्षक दंपति ने ब्रेन क्लास शुरू की है। इस क्लास में बच्चों को आंखों पर पट्टी बांधकर, सूंघकर और अपने अनुभव के आधार पर पढ़ना सिखाया जाता है। पढ़ाई का ये तरीका भले ही अजूबा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि इलाके के बच्चे इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ब्रेन क्लास में करीब 50 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों को ब्रेन की एक्सरसाइज करवाई जाती है, फिर इनकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है, फिर इनके हाथों में किताब दे दी जाती है और पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। इसी तरीके से बच्चे मोबाइल पर भी टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। शिक्षकों का दावा है कि बच्चों के सिक्स सेंस के लिए इसके जरिए पढ़ने का अभ्यास इन्हें कराया जाता है और इसमें काफी कामयाबी भी उनको मिल रही है। पढ़ाई के बहुत से तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल हैरान करने वाला है। इस वक्त मैं स्मार्ट ब्रेन क्लास में हूँ और मेरे साथ दो बच्चे हैं, दो नहीं हमको लगता है कि 10 बच्चे बैठे हैं। उनके टीचर्स बैठे हैं, उनके माता पिता बैठे हैं, जिन्होंने इसे ट्रेंड किया है स्मार्ट क्लास के लिए, स्मार्ट ब्रेन के लिए। आइए हम उन बच्चों से जानना चाहते हैं कि कैसे इसने इस चीज को हासिल किया। बेटा अपना सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम स्नेहा होता है। स्नेहा इच्छी बताओ कि कब से ये आंखों में पट्टी है और कैसे पढ़ लेती हो, कैसे रुपया गिन लेती हो, कैसे तुमने मोबाइल देख लिया, ये बताओ। करीबन 5-6 साल से हम इसका ट्रेनिंग ले चुके हैं और सबसे पहली बात ये हम स्मेल से ही पढ़ाई करता है। कैसे बताइए? मुझे हर एक चीज का स्मेल अलग अलग टाइप में मुझे लगता है, फील करते हैं हम उस चीज को कि स्मेल से फील करते हैं, टच करते उस चीज को हम फील करते हैं जिसके थ्रू हम पढ़ पाते हैं। अगर मान लो मोबाइल को तुम टच करती हो तो क्या फील आता है? मतलब हमको उसमें स्मेल भी आता है और स्मेल भी हम एक्चुअली बताएं तो हम स्मेल के थ्रू ही ज्यादा पढ़ पाते हैं। किताब को कैसे पढ़ पाती हो? स्मेल में। कैसे? जैसे स्मेल आता है हर एक चीज का, आपको उसमें मैंगो का स्मेल आएगा, कोई फ्रूट्स का आएगा, फ्लावर्स का आएगा, किसी भी चीज का आपको आ सकता है। हमारे साथ है अब क्या नाम हुआ तुम्हारा? सैम प्रसाद। ब्रेन क्लासेस कैसे करते हो? ब्रेन क्लासेस हम पहले डांस करते हैं, फिर क्लासेस करते हैं। उसके बाद? उसके बाद अराउंड 40 मिनट का नैप लेते हैं, फिर हम लोग आंखें पट्टी बांध कर पढ़ते हैं। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।